शराब ठेकों पर नियमों की अनदेखी, एमआरपी से अधिक वसूली जा रही है राशि। लॉकडाउन 3 में जैसे ही शराब की दुकानों को खुलने की हरी झंडी मिली, वैसे ही शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। शराब खरीदने की ऐसी दीवानगी कि सुबह दुकान खुलने से पहले ही कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग गईं। सोशल डिस्टेंसिंग को कुचलते हुए लोग शराब की दुकानों पर उमड़ पड़े। कई जगह शराब की दुकान पर मेला सा लग गया। गाइडलाइन के मुताबिक एक बार में केवल 5 लोग ही शराब की दुकान के बाहर खड़े हो सकते हैं। इसके साथ ही 6 फीट की दूरी का पालन भी अनिवार्य है। आज ठेकों के बाहर उमड़ी भीड़ को काबू कर पाना मुश्किल हो रहा है। शराब की दुकानों के बाहर फिजिकल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही। लोगों में शराब का स्टॉक खरीदने की होड़ सी लग गई। कई जगह ठेकेदार खुद खड़े होकर लोगों को एक एक कर खरीदारी करने के लिए समझाते नजर आए। वहीं रामगंज थाना क्षेत्र स्थित सुभाष नगर सब्जी मंडी के सामने स्थित शराब की दुकान पर एमआरपी से ज्यादा राशि वसूली जा रही है, और ज्यादा राशि वसूलने का कारण पूछने पर दुकानदार द्वारा ग्राहकों से बदसलूकी भी की जा रही है। जानकारी देते हुए गोविंद सिंह राठौर ने बताया कि दिसंबर 2014 की शराब जिसकी एमआरपी 108 रुपए है, वह उन्हें 250 रुपए में दी गई। वहीं नरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि एक शराब की बोतल पर दुकानदार द्वारा 300 रुपए से भी अधिक की राशि वसूली जा रही है। उनके द्वारा 108 रुपए एमआरपी के 4 क्वार्टर खरीदे गए, जिसमें दुकानदार ने उनसे 1000 रुपए अधिक वसूले। सवाल पूछने पर दुकानदार द्वारा अभद्रता और बदसलूकी भी की गई। वहीं आबकारी अधिकारी संपत से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक्सरसाइज ड्यूटी में 4 दिन पहले ही 25% से 30% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी दुकानदारों द्वारा सभी नियम कायदों को ताक पर रख पुरानी खरीद की शराब पर भी नई एक्सरसाइज ड्यूटी के हिसाब से राशि वसूली जा रही है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि अगर दुकानदारों द्वारा ग्राहकों से इस प्रकार की वसूली की जा रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब तो पुलिस की भी मजबूरी है, वो शहर की व्यवस्था संभाले, कोरोना संक्रमण से निपटे या शराबियों को नियम कानून सिखाए। चुंगी पे ये ठेका है जिस पे मैं ये बोतल लेने आया हूँ। इसके ऊपर एक ये सोलोंग करके ये बोतल दी है इन्होंने मेरे को 250 रुपये की बोतल है। ये केवल 1 क्वार्टर दे रहे हैं जबकि इसकी एमआरपी केवल 108 रुपये है लेटेस्ट, और माल ये है 2014 दिसंबर का, जो कि आज ये दे रहे हैं करीबन 6 साल पुराना माल दे रहे हैं, और रेटें डबल ट्रिपल रेटें ली जा रही है। बहुत ओवर माल है और ना ये रेट बता रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस आने पे माल दे रहे हैं और काम ले रहे हैं, और भीड़ देखिए आप डंडे हाथ में ले रखे हैं, जबरदस्ती लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, वापस कर रहे हैं वापस पेमेंट। कौन से ठेके से ले, कौन सा ठेका है, कहाँ का है ये? जी सर, कहाँ पे है ये ठेका, कौन सा है? ये अपने सब्जी मंडी के बिल्कुल सामने है। इसका ये नंबर तो मेरे को आपको देखना पड़ेगा, बताए अपना, सुभाष नगर एरिया का है। आपका नाम बताए, नाम बताएं आपका। मेरा नाम गोविंद सिंह राठौड़ है, चंद्रदाई नगर निवासी हूँ। कौन सा ठेका है, कहाँ का है और क्या रेट में? सुभाष नगर चुंकी ब्यावर रोड का ठेका है, यहाँ पे सोलोमेट का क्वार्टर 108 रुपये एमआरपी है, जो 250 रुपये 1 क्वार्टर के ले रही है, और बोतल के ऊपर 300 रुपये। आपने अभी कितने क्वार्टर लिए हैं? क्या 4 क्वार्टर लिए, मुझसे 1000 रुपये लिए, यानी और इसमें रेट क्या है? 108 रुपये एमआरपी है, यानी कि महंगा दे रहे हैं, काट रखी है। तो आपने इसका विरोध नहीं किया, इसने बोला नहीं आपको? सर विरोध क्या करे, वो तो दे रहे हैं, भगा रहे हैं।